सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक सीखेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड में आप टेबल कैसे बना सकते हैं। ये टेबल बनाने का बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है जिसके मदद से आप जो है टेबल बना सकते हैं। आमतौर पे क्या होता है, एमएस वर्ड में एक टेबल बनाने का ऑप्शन दिया होता है जिसका यूज़ करके आप जो है टेबल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उस ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। बिना उस ऑप्शन के जो है टेबल बना सकते हैं। आप चाहे तो कितनों भी लंबा टेबल बनाना हो आप जो है टेबल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप ये कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्जेक्ट गो चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो सब्जेक्ट गो पे आएगा तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी और आप जो है इस वीडियो को फ्री में सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप जो है टेबल बनाने का ट्रिक्स जो है आसानी से ये सीख सकते हैं। तो देखिए एमएस वर्ड में आमतौर पे क्या होता है, आप एमएस वर्ड 2007 यूज़ कीजिए या फिर कोई भी नया वर्जन यूज़ कीजिए, तरीका बिल्कुल सेम होता है। उसमें इंसर्ट में जाना पड़ता है आपको और उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑप्शन में जाके यहाँ पे टेबल आपको बनाना पड़ता है। अगर आप यहाँ से ये जो राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे देखिए रॉ कहलाता है और ये नीचे की तरफ अगर आप बढ़ते हैं इस तरह से सीधे में तो ये आपका कॉलम बन जाता है। तो यहाँ पे जो है टेबल आप बना सकते हैं इस तरह से क्लिक करके, या फिर आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इंसर्ट टेबल का, यहाँ पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे पूछता है ये कि टेबल जो आपको बनाना है तो उसमें कितने कॉलम चाहिए, कितने रॉ चाहिए। तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए 10 कॉलम चाहिए हमें और 5 हमें रॉ चाहिए और उसके बाद आप करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे जो है ये कॉलम बन के आ गए और रॉ तैयार हो गया पूरा। या फिर आपको क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। इंसर्ट में एक ऑप्शन और होता है टेबल बनाने का, यहाँ पे ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल का यूज़ करेंगे तो पेंसिल आपके पास आता है और उसके बाद इसके मदद से आप जो है टेबल कहीं पे भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर कुछ इसमें डिलीट करना है या एडिट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको इरेजर मिलता है, पेन कलर मिलता है। तो इसके ऊपर पहले से सब्जेक्ट गो का वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कि टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं बनाते हैं तो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए अभी देखते हैं फिलहाल के लिए हम कि टेबल बनाने का जो ट्रिक्स है वो क्या है। तो देखिए टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है। ध्यान रखिए सबसे पहले प्लस का, और प्लस लगाने के बाद आपको जो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, माइनस बटन दबाना है। जितना बड़ा आप कॉलम बनाना चाहते हैं उतने बार माइनस का बटन दबा दीजिए, उसके बाद फिर से प्लस दबाइए और फिर से कॉलम के लिए जो है उतना बड़ा जो है यहाँ पर डैश लगाइए। डैश का मतलब है माइनस वाला जो बटन होता है आपके कीबोर्ड में वो दबाना है और फिर से प्लस का। तो इस तरह से माइनस और प्लस ये करना है आपको। देखिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो प्लस के कितने निशान है, यहाँ पे 5 है और उसके बाद करते हैं एंटर। तो देखिए ये जो है टेबल इस तरह से बन गया। चलिए अब मैं इसको जो है आपको डिटेल में समझाता हूँ कि डिटेल में ये आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पे मुझे कॉलम बनाना और कहाँ पे टेबल का रॉ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको जो है एक टेबल बना के दिखा देता हूँ। ये सिंपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखिए ये जो है टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब टेबल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये तो बंद है, ये हो गया आपका देखिए रॉ हो गया, ये रॉ एक ही रॉ है आपके पास, लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 2 3 तीन कॉलम है। तो इसी तरह से आपको जो है सबसे पहले प्लस लगाना है, प्लस हो गया इसके लिए, यहाँ पे जो ये लाइन आ रहा है इसके लिए प्लस हो गया और उसके बाद यहाँ पे माइनस यानी कि माइनस का बटन दबा दीजिए, जितना लंबा आपको जो है यहाँ पे कॉलम का हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए, चौड़ाई चाहिए, जितना लंबा लगा दिया। उसके बाद फिर से प्लस लगा दीजिए, प्लस हमने किस लिए लगाया, ये जो डंडा यहाँ पे बीच में देख रहे हैं आ रहा है इसके लिए। उसके बाद फिर से आप जो है माइनस बटन जो है दबा के रखिए उतने लंबे कॉलम के विड्थ के लिए, जितना लंबा आप जो है विड्थ उसका चाहते हैं, और उसके बाद फिर से प्लस लगा दीजिए। उसके बाद फिर से माइनस बटन दबा देते हैं यहाँ पे 4 से 5 बार या 6-7 बार, ताकि उतना लंबा जो है हमारा कॉलम का विड्थ हो जाए, और फिर से मैंने प्लस लगा दिया। अब देखिए ये वाला प्लस यहाँ के लिए हो गया, ये वाला प्लस यहाँ के लिए, और ये वाला प्लस यहाँ के लिए, और ये वाला प्लस यहाँ के लिए। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि आप समझ पाए कि जो ये काम करता है वो कैसे काम करता है ये ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कॉलम का जो है विड्थ होगा यानी कि चौड़ाई होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम का आपका चौड़ाई हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लंबा जो है चौड़ाई हो गया।
तो ये तो ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें से दो तीन जो है साइन जो माइनस का उसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में आपको बनाने के बाद जो एरो है वो लास्ट में ही यहाँ पे रहने देना है, और उसके बाद अपने कीबोर्ड में एंटर बटन दबाइए। जब आप एंटर दबाते हैं तो ये काम करता है ट्रिक्स, और आपको एक टेबल बना के ला के दे देता है। देखिए यहाँ पर टेबल ये बन के आ गया, तो इस तरह से जो है ये ट्रिक्स काम करता है। आप चलिए मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और फिर से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, प्लस। प्लस लगाने के बाद माइनस का यहाँ पे निशान लगाना है, जितना चौड़ा जो है आप कॉलम बनाना चाहते हैं। तो ज़्यादा चौड़ा मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल कम चौड़ा यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फिर प्लस लगा दिया। उसके बाद फिर से ये कॉलम बनेगा, इस तरह से लगा दिया और इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर कितने कॉलम हो गए, एक कॉलम ये हो गया, एक ये दो और एक ये तीन कॉलम यहाँ पे बन गए। उसके बाद करते हैं एंटर। तीन कॉलम कैसे बन गया वो देखिए, एक कॉलम ये हो गया आपका, दूसरा कॉलम ये हो गया आपका, और तीसरा कॉलम ये हो गया आपका। और ये प्लस का जो निशान है ये तो कॉलम को बंद करने के लिए जो है लगाया गया है। उसके बाद एरो जो है यहाँ पे लास्ट में रखना है, और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे तीन कॉलम का ये जो है बन के यहाँ पे आ गया। अब इसके नीचे अगर और ज़्यादा आपको बनाना है तो क्या करना है, वो तो आपको सिंपल सा पता है कि टैब बटन दबाना है आपको। टैब बटन दबा के और सबसे लास्ट वाले सेल में यहाँ पे पहुँच जाना है, और उसके बाद फिर से अपने कीबोर्ड से टैब दबाना है। तो ये नीचे बन गया। इसी तरह से टैब बटन दबा के फिर से लास्ट में आना है और टैब दबा देना है। तो टैब टैब और टैब इस तरह से आ गया, फिर से टैब टैब और टैब इस तरह से बनते जाएगा। और अगर आप किसी रॉ का हाइट ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है इसके अंदर एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए हाइट इसका जो है थोड़ा सा लंबा हो गया। उसके बाद फिर से टैब दबा के बाहर आते हैं, ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर टैब दबा के नीचे आते हैं और बढ़ा लिया। और अगर आपको रॉ का हाइट बढ़ाना है तो हाइट बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया एंटर कर देना है। एंटर करने से क्या होता है, देखिए हाइट जो है बढ़ गया। और उसके बाद टैब टैब और टैब, तो देखिए फिर से एक नया यहाँ पर कॉलम आ गया। तो इस तरह से आप जितने कॉलम चाहे बना सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पे लेके जाइए माउस, ये इस तरह का माउस का एरो बनेगा, और उसके बाद इसको खींचिए। तो देखिए हाइट जो है इसका, इस तरह से आप जो है लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अगर टेबल आपको उठा के कहीं साइड में पेज पे इधर उधर रखना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए प्लस का ये निशान बन रहा है, तो इस पर आपको जो है लेके जाना है माउस का एरो। और जब ये एरो इस तरह से बन जाए तो इसको जो है इस तरह से पकड़ के आप कहीं पर भी इसको नीचे इस तरह से रख सकते हैं। देखिए इस तरह से बन गया। और आपको पता है जब एमएस वर्ड में आप टेबल बना लेते हैं तो टेबल के अंदर जब आप क्लिक करके रखेंगे माउस तो ऊपर मेन्यू में दो ऑप्शन खुलते हैं, एक डिज़ाइन का एक लेआउट का। तो इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने टेबल को और ज़्यादा जो है बेहतर बना सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर लेआउट है, लेआउट में भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए सब्जेक्टों का वीडियो पहले से बना हुआ है डिटेल में, उन वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि टेबल को और भी अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ट्रिक सीखा कि एमएस वर्ड में टेबल बनाने का जो मज़ेदार ट्रिक्स है वो क्या है। तो इस ट्रिक के मदद से आप जो है एमएस वर्ड में आसानी से टेबल जो है बिना टेबल ऑप्शन के जो है बना सकते हैं। अगर आपका कुछ सवाल है इस वीडियो से संबंधित और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप जो है subjectgo.in वेबसाइट पे जाके सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे सवाल जवाब आप कर सकते हैं मुझसे। अगर आपको नहीं पता कि subjectgo.in वेबसाइट का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर subjectgo का वीडियो पहले से बना हुआ है, वो वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं। और subjectgo के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने subjectgo चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके subjectgo चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए subjectgo और सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।